आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन। हेलो, सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, मेरा नाम बउआ है। हेलो, आप एक मिनट लोगा, ज्यादा समय नहीं लोगा। कौन बोल रहा जमाना बेटा? इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ, ये तो है। अच्छा, मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, एक एक रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे सूरे? एक सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं, 2 रुपए में कहाँ आता? 5 रुपए में आता सुन वो। तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का एक एक कड़ाकी तो चिपकाया। तेरे पावर को सुबह सुबह मेरा दे मिला है तुझे? हाँ रेलवे स्टेशन गए हो कभी? आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। तेरा सुनो फोन काट एक सेकेंड, सुबह। रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए मिलता क्या है बड़े। हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। भाई साहब अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग, 2 रुपए में डायलॉग मिलता है? गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआए देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआए, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी वही पोटली तेरे पिछले में दे दूं मैं। है। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे। वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, दो कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है, अच्छा 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस हाँ, में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट अच्छा खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए, बताओ 2 रुपए। दिमाग खा रहा साला। क्यों, आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं, रख ले चीज पता नहीं। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी भाई साहब, 2 मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ? खाते हैं, तेरे बाप को थोड़ा खाते हैं। बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या पान मसाले गुटके का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। नहीं सुनना मेरे को, भाई से तू सुन क्या कर लो, लेगा? आप खाते हो ना, अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना। तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ गुटका से मसाले, क्योंकि लाल तो वैसे हो। अभी एक पहला अब फायदा, मेरे पीले पड़े हैं या काले पड़े हैं? तू सॉरी नहीं, अगर हेलो, हेलो, अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर वरना फोन दूसरा काट फायदा दे। बता दिया मैंने, जब मैं कह रहा एक और हूँ सुन तुझे लो, रंगोली बना सकते हैं थूक के, जिस भी डिजाइन। फोन काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए, तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए, मैं फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पर थूक के लाल कर सकते हो। डुडू ट्रैफिक सिग्नल की आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे। चल बता। हाँ चल बता हैं? क्योंकि आप बता बता। खाओगे तो, अगर खाते रहोगे नहीं मानोगे तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे तो। ये फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत नहीं। आप टीवी पे भी आ सकते हैं जैसे मुकेश अरे आता था। मत काट, तेरे टीवी काट, फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था, मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था भाई साहब, छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ले तो देख फोन का मिला है, अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो ब्रो चलेगा।
बड़े हंस नहीं खांस रहा हूँ सॉरी, मैं ये कह रहा था इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे भाई? कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ? बताओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ? दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर है तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा है, फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा, इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल ना रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं, चलते जाते, चलते जाते हैं, खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब है। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तुमने बताया नहीं। कौन से नहीं बताया, सारे तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा, नुकसान होगा तो लोग नहीं भाई वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा। तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो। नमस्ते। हेलो। नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बहुआ और मेरे साथ जीजी विशा की जांच हाथ से करने वाले नंद किशोर बैरागी मैडम जुड़ गए हैं आप बंधु। हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा बोल रहा है। बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी बोल रहा तू भाई, छोटी सी चर्चा है आपसे, एक मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं, एक मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर बताओ। धुंध छाया हुआ है, सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे इसकी बात हो रही है। लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। जल्दी। हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर के फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे, कृत्रिम बारिश है। लेकिन भारत एक सेकंड, एक सेकंड। लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है, जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, मार पिटाई डुग्गे लगे हैं। हाँ तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या खोल दो? अच्छा ऊपर से जहाज के नीचे लगी होती कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। तो ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था इंडिया में, दिया था पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो ना भाई। भाई गलत मत वाले हो, एक सेकंड। इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी सौगी लाकड़ा कौन? तो गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह बैरागी जी, मैं बहुआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी इस बार की चिट्ठी, बैरागी इस बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली भौचक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भौचक्की एंजल जी एफ से रॉकिंग नहीं है, सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बहुआ। हेलो हेलो। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। बउआ बोलो। क्या बोलू? अरे क्या बोलने को बचा है? ये शरीर, ये आत्मा, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग? हाँ अलग है।
तो शादी हुई है आपकी? हाँ हुई। यही बात है, मोटरसाइकिल है? हाँ मैं जानता था, बाइक पे चार लोग को बिठाते हैं। अरे चार नहीं बैठते भैया, खाली हम दोनों ही बैठते हैं। हाँ। तूने अभी बोला शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। तो तू तेरी वाइफ और तुम है? और तुम दोनों की आत्मा हुए चार लोग बाइक पे। ओ, क्या लॉजिक है यार, क्या बताओ, गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे क्यों टाइम पास? टाइम पास आत्मा को हेलमेट पहनाते है या नहीं? आत्मा को हेलमेट? हाँ, कम से कम मेल आत्मा को तो हेलमेट पहना, फीमेल आत्मा का हेलमेट अलाउड नहीं अभी। तू ऐसा है, काम कर अपनी को हेलमेट पहना। गलत मत बोल, पुलिस डबल चलान काटेगी, एक पुलिस ऊपर से उसकी आत्मा, ठीक है? हाँ तो वो तेरा डबल चलान काटेगी और मैं तेरी दो बार तोड़ूंगा। दो बार क्यों तोड़ेगा? एक मैं तोड़ूंगा और एक मेरी आत्मा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना मेरी आत्मा बर्दाश्त करेगी। हाँ तो साले मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूँ अपनी आत्मा की मैं शादी करवा दूँ यार। क्यों करवाओ? शरीर चले जाएगा, आत्मा रह जाएगी। फिर आत्मा रह जाएगी, रिस्क है ना यार इस शहर में। अबे यार ये कितना बड़ा। एक सेकेंड, आप टॉयलेट जाते हैं तो अकेले जाते हैं? अकेले ही जाते हैं, तुम्हारे यहाँ जोड़ियाँ बना बना जाते हैं। एक सेकंड, आखिरी चीज पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो अंकल, मैंने सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करवाया है। क्या सोनू को क्या करवाया? सोनू को नहीं, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर शरीर में आत्मा है कहाँ। तूने अपनी की अल्ट्रासाउंड करवा, तेरी आत्मा वही बसती है। गलत, अब मेरी बात सुन। तूने मेरे को वापस फोन मिलाया। फोन तो क्या करेंगे आप? तो मैं एक लूंगा डंडा बहुत तगड़ा और उतना ही मोटा डंडा मेरी आत्मा लेगी और वो दोनों डंडे के साथ क्या करेंगे? अंदर से तेरी आत्मा जीकेगी। बहुत टाइम पास कर लिया। बस दिलजीत जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं कि मैं मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब इसी पर बहुआ बन के हमने क्या मस्ती करी, ये जरा सुनिए। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा अभी। जा नहीं पापा अंकिल, मोमबत्ती ला, आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? बहुआ बोल रही हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा होगा? एक सेकंड, जल्दी जाओ कैंडल लाओ। नहीं, क्या बात कर रहा है, इसे पहले कर ले या पापा से कर ले? मैं इसे कर ले। आप इसे कर लेता हूँ, सुनिए। हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा। कौन तुम? मार्केट कैंडल लेकर। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो, मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं? जाओ मोमबत्ती ला। एक मिनट। अरे अंकल जी क्या हो, तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या होगा लड़के को? तू कलेक्टर लग रहा है, तू बताएगा हमें? अरे बता नहीं हम। तो कौन है तू, बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा आपकी किडनी निकल गई गुस्से में। दे पकड़ा जरा ऊपर। हेलो, किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। पूछिए मोमबत्ती का क्या कटेंगे आप? अरे मोमबत्ती में इसकी। हाँ तो इसकी। अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं नहीं। हाँ पापा, ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए पापा, मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गया, मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता। इनने इसीलिए मंगवाया था, इससे क्या होगा पापा? इधर आ जाए, इधर आ जाए। मार दे, इधर आ जाए। वो मार दे रहा है वो। हेलो, हेलो, ये क्या बन गया बउआ? मार दिया मुझे। ओ बॉम्बेज बक्सी, अब देख क्या बन गए। अरे क्या हो गया? देख मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया। हाँ। और इसने मोमबत्ती मंगाया। अच्छा, क्या गया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे। मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो। अच्छा, तो भूत बन गया। हाँ मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। गंदा भैया पापा। बेटा मोमबत्ती तू उसको दे दे। अंकल तेरी ऐसी मोमबत्ती ले। गलती हो गई। क्या यार क्या है? बेटे कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ। अमित भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई गाड़ी का ब्रेक फेल होते होते रह गया, आज मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन इस वीक मेरे को टॉपिक सोचा कि बउआ को दे दूं कि ब्रेक फेल हो गया तो क्या कर सकते हैं। हमने बउआ बन के क्या करा, सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन? देखिए ऐसा है कि 1857 के विद्रोह में। अरे कौन बोल रहा है? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और इसे तुम कौन रहा है? अच्छे से पेपर पर लिखो और इसे 3 बार रिपीट करो। पागल है क्या तू? फोन कर दिया है। हेलो अंकिल,
कौन बोल रहे? बउआ बोल रही। नमस्ते, गुस्सा नहीं हो, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो पहले पढ़ा ले फिर बाद में फोन करिए। नहीं, एक सेकंड, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी न्यूटन के बाप, ए साइंस का पेपर पढ़ा रहा हूँ। कौन सा कर्षण बोला तूने? कौन सा कर्षण? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा। तेरे मुंह पे इतने झापड़ दूंगा सारा गुरुत्वाकर्षण। आप सब मैं कोई पढ़ जाए यहाँ पे, दिमाग खराब करने, दिमाग चार्ज। तू मानेगा नहीं ना, पठती पठंता पठंतो, पठती पठंती पठंता। अबे तेरा सारा पठंती पठंत। एक सेकंड, मैं संस्कृत पढ़ा दो, मैं बउआ बोल रही हूँ। सुनिए, हाँ तो बउआ मेरे से बात कर ले, पढ़ा ले पहले। आपने अब तक पूछा नहीं कि किसको पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, और तू पढ़ाने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, सुन, क्या है ना, कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए आज मैं उसे बिठा के पढ़ा रहा हूँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पढ़ा क्या रहा है उसे? पढ़ा क्यों नहीं रहा, गैराज में ले गया था मैं। मैकेनिक ने क्या बोला? क्या बोला? ब्रेक फेल हो गया। अबे इसकी औलाद, ब्रेक फेल हो गई तो ब्रेक ठीक करवाना, पढ़ाने से क्या मिल जाएगा तुझे? अच्छा, फेल हो गए ना, पास हो जाएगा फिर? अबे ओ मैं नहीं तू, एक सेकंड, एक आखिरी, हाँ, ज्योग्राफी पढ़ना है, लो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच 113 कंट्रीज हैं, जिसमें 13,429 मिलियन पोल्स हैं बिजली के। हेलो, हाँ, एक पोल कम कर दे। एक पोल कम क्यों? एक तेरे में दूंगा। गंदा बोल रहे आप, गंदा। मेरा ब्रेक फेल हुआ, पास करा दो मैं उसको। एक सेकंड, आखिरी, उसे अंग्रेजी पढ़ा दो। देखिए, मैंने इसे फोन लगाया था, पास्ट टेंस, इसने फोन उठाया, बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। हेलो, मैं तेरे फोन में घुस के तेरी फाड़ दूंगा, फ्यूचर टेंस। हेलो भाई, अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं, मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं, मैं कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बता रहा है भाई, गलत कहाँ जा दिया फोन। नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। भाई किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं तो फिर क्या हो गया, ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में, एक औरत है जिसकी मदद करनी है। कौन है भाई औरत? अम्मा है क्या तेरी? गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में, वो ऑटो वाले भाई ने मुझे कुछ सुनाया। अच्छा उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार, तू जल्दी बता। जो शॉर्ट, एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुना दो, मैं सुन, ये सुनिए। तू गिरियो मत, ना नहीं समझ गिरियो, सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। एक सेकेंड, दद्दा जी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस बेच सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई बेचे? हाँ, सन भी नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी ढूंढ, वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? तू मुझसे सुन लेगा? तू नहीं, तू सुन, किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड घर, वो सौरभ का घर है। एक देखा, एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो, आपसे दो मिनट चाहिए था। कहिए, मैं किसके घर पहुँच? एक सेकेंड, आपका नाम क्या? सौरभ सक्सेना। सौरभ साला, आपको एक महिला ढूंढ रही है। इसको पहचानते हैं आप? नहीं, ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ वाज सेटल इन दुबई, आई एम सौरभ सक्सेना। इनसे बात करो ना। हेलो सौरभ सक्सेना, सुन मेरी बात। यस, एक काम कर, इसकी बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पीपल। गंगा बोल रहे काटने नहीं है, इसका क्या होगा? सौरभ जी सक्सेना, सौरभ सक्सेना। हेलो हेलो जी, कौन जी? नमस्ते अंकिल, बिजी तो नहीं हो? नहीं, बोलो कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? भाई पहचाना नहीं मैंने। आपने फोन कहाँ लगा रखा है? कान पर लगा रखा है। थोड़ा सा कान से नीचे लेना फोन। क्यों? एक सेकंड, ठीक है, चाहिए। ओके चलो बाय, रख दो। हेलो हेलो हेलो, बउआ ही एडवांस अगेन अंकिल। अरे भाई क्या था वो? फोन कहाँ लगाया है? एक सॉरी वंस अगेन, बता दो भाई, कान पे लगा रखा और कहाँ लगाऊंगा तू? एक सेकंड, ये सुनिए आप, थोड़ा नीचे लीजिए कान से। करने एक सेकंड, अब सुनिए, क्या
चेक कर ठीक ओके मैं देख दूँ ठीक है नहीं रुकना नहीं मैं ना टाइम एंड बहुत वेट फॉर नन क्या करने का चारा फोन को दिमाग खराब कर रहा है गंदी बात नहीं मेरे को गंदा नहीं सुनना तू कहना क्या चाहता है कहना नहीं हो इतना गुस्सा नहीं दिखाओ मुझे आवाज नीचे तू आवाज की बात कर दे इससे पहले दो बार फोन लगा के मैंने क्या किया पता है क्या किया तूने गंदा नहीं तेरे कान पे मैंने दो बार ऐसे बजाया तूने कुछ किया गंदी बात बोल दे तब तो कुछ कर नहीं पाया जब मैंने कान पे मेरे पास हाथ तेरे कान के नीचे सीट में दो मैं क्या अब कुछ बजाने से फायदा नहीं तीन लेके बैठेगा एक सेकंड गंदी बात फिर बोला आपने क्यों मैं अगर कर लूंगा क्या कर लेगा तू मेरे बता हम लोग फिर से बजाएंगे कान बजाओ तू भी क्यों नहीं बजाता यार गंदी बात क्यों कह दे तू भी बजा नहीं वहाँ पे नहीं कैसे कान वहीं बजाना है नहीं सुनाई नहीं दिया मैंने फोन लाउड स्पीकर पे रख के बगल में रख दिया था भाई अनामिका जी फोन करके बहुआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं अभी से बहुआ ने क्या किया ये सुनते हैं हेलो नमस्ते बहुआ बोल रहे अंकल बहुआ कौन दो मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे दो मिनट पहली बात तो कार्तिक नहीं आपने गलत नंबर लगाया शायद अच्छा क्या नाम है आपका दिनेश दिनेश नाम है दो मिनट में एक पूछना था हाँ जी बोलो कि अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल यार कार्तिक नहीं भाई मैं दिनेश बोल रहा हूँ ठीक है दिनेश वही मैं बोल रहा हूँ तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक की वो जो बन यार कार्तिक नहीं यार कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद गलत नहीं है आपने क्या बताया था सुरेश दिनेश बता रहा हूँ दिनेश मैं टॉपिक बदल दे रहा हूँ मैं टॉपिक ही बदल दे ठीक है अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक उसमें अगर नहीं यार दिनेश बोल रहा हूँ लिख लेना कहीं बोल रहा तो सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं दिनेश लिख ले कहीं I'm sorry. बता क्या बात करनी है जल्दी बता I'm sorry कार्तिक I'm very sorry. यार फिर तू ही कार्तिक और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना ठीक है कार्तिक फिर कार्तिक कार्तिक जवान पे आ रही है तेरे अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ दिनेश नाम है समझ सॉरी सॉरी अपनी में डाल ले तुझे समझ धूमकेतु मेरी बात सुन धूमकेतु होगा तेरा बाप मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं लीलाराम तू तमीज से लीलाराम मनोहर तू खुद ऐसे डाय मेरी बात सुन मनोहर होगा तेरा फूफा ये वॉटर को एक्सीडेंट उनका नाम सचमुच मनोहर है एक सेकंड रुक एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं कश्यप मेरी बात सुन ले कश्यप दिनेश नाम है समझ में नहीं आती का हिंदी नहीं रामू काका एक सेकंड रामू काका सॉरी रामू काका होगा तेरा नौकर ऐसा नहीं मेरी बात सुनिए रामू काका कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ क्यों नहीं करा बता क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए काए हैं और आ जाएगी बहुत बढ़िया विद्याधर हंस दिया विद्याधर हो तेरा बाप का शक्तिमान बना दूंगा बस करो कार्तिक अब मैं फोन रख रहा हूँ भाई तू कार्तिक भाई विनय ने फोन करके बहुआ से कहा अगर रिश्ते की बात करने घर का कोई बड़ा जाए तो ज्यादा सही होता है अभी से बहुआ ने क्या मस्ती करी ये सुनी हेलो मैं बहुआ बोल रहा था अंकिल नमस्ते आप कौन बहुआ मैं बहुआ मेरी भैया आपसे कटनी है आप अगर तैयार हैं तो बताइए अरे तैयार किस लिए कह रहे हैं बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हेलो बोलिए जी नमस्कार नमस्कार बोलिए और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना ये भी जिम्मेदारी है तो मैं काम ना करूं क्या आज का जो मुद्दा है भाई साहब एक सेकंड आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है अरेंज मैरिज है यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं जी
कतराते मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा अच्छा, छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। शानू का पापा हैं और शानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी, आप कहते हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत है, भागना। तो वो लड़की के बाप से कैसे बात करे भाई साहब? आप शानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले तेरी लात मारूंगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक ले लो, फोन काट दो किसी और को फोन। एक सेकंड रुकिए, एक सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बड़ागी जी? त्रिलोचन, त्रिलोचन जी कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया चुपचाप से? मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? शानू के पापा है ना? शानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। एक सेकंड रुकिए, अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जाए। त्रिलोचन जी, त्रिलोचन बोलना बंद कर। अच्छा, देखिए वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से, हाँ, तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे पहले लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ, एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं नहीं, ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड, त्रिलोचन, एक सेकंड, त्रिलोचन, त्रिलोचन ना बाप, त्रिलोचन बोलना बंद कर ना। एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10 हजार की गड्डी? बाप बड़ा ना भैया, हाँ, सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन, ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ, ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। हमारे एक्सपर्ट है ये। बस करिए, मेरा बस करिए, मदर फादर तक बात चलेगी, बात ओके। तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो, 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने एक, ए हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता वो, गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। एक मिनट, लोग कहते मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गड़ाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब, क्रोध को पालना सीख, काशी काटिया होगा, काटिया घुसेड़ दूंगा तेरी में क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम, मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा, मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है। हेलो, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है, फिर, हाँ, फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ, है क्या गला खड़ा हो गया? भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाए, खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो, आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नव युवक। कौन बउआ? नहीं वो सब ठीक है, हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और नहीं, हम कह रहे हैं हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा? खर्चा नहीं, चर्चा, चर्चा से चर्चा होती है। और चर्चा से जो आप हैं। अच्छा तू कौन? क्यों? चर्चा से मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर, चतुर। हाँ, अरे तू बच्चा है भाई साहब, अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे, ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? बैरागी जी उस पे प्रकाश डाल दिया। देखिए, लाल बत्ती से सबसे पहली बात दो चीजें हैं, लाल और बत्ती। अच्छा, लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, हाँ, वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का, रुकने का, खतरे का, खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, रुके, काम ही नहीं करते। और रुका हुआ क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है, सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है, खतरा भी, इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं चाहिए। यू आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती, बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। नहीं,
तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओ माय गॉड, गलत बोल रही। इनका बेटा किसी नाम क्या है? इनका नाम है रेबेल वक्कू। आप रेबेल वक्कू हैं? कौन है ये बैरागी जी हैं? शुक्रिया। गलत मत ना बोल। रेबेल बक्कू, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट द कुछ बोलकर गलत लेफ्ट लेने वाली लिटर लिम्पी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सैड कुछ बोल दिया आपने। थैंक यू। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता।